दोस्तों टीवी शो अनुपमा के एपिसोड में आप देखेंगे कि अनुज कबाड़िया और अनुपमा के रिश्ते में एक बड़ी दिक्कत देखने को मिल रही, लेकिन अब अनुज के नहीं आने से बहुत से लोगों को उसे बुरा कहने की वजह मिल गई है। वनराज शाह परिवार के लोगों के सामने कहेगा कि अनुज कबाड़िया इस तरीके की हरकतें अनुपमा से बदला लेने के लिए कर रहा है। अगर उसे आना ही था तो फिर वापसी की उम्मीद ही क्यों दी अनुपमा को। बाकी डिम्पल और काव्या हमेशा की तरह अनुज कबाड़िया को सपोर्ट करती हुई नजर आएंगी। अंकुश भी इस गुत्थी को सुलझाने के लिए मुंबई जाने की बात कहेगा और बरखा फौरन उसे रोकेगी। उधर कांताबेन घर में अनुपमा से पूछेगी कि उसने अनुज से ये क्यों नहीं पूछा कि वो वापस क्यों नहीं आ रहा, तो जवाब में अनुपमा कहेगी कि कई बार सच ही एकमात्र वजह होती है, जिंदगी भर सच से भागा नहीं जा सकता। सच यही है कि अनुज और मेरा साथ यहीं तक था। उधर शाह परिवार में किंजल और काव्या का अनुज का सपोर्ट करना वनराज शाह को खल जाएगा। वनराज शाह और काव्या के बीच जबरदस्त झगड़ा होगा। वनराज शाह हमेशा की तरह काव्या के चरित्र पर सवाल उठाएगा और उसकी पिछली मॉडलिंग वाली जॉब का मजाक उड़ाता रहेगा। काव्या उसे समझाएगी कि वो कभी इस बात को नहीं समझ पाया कि उसके लिए वनराज कितना ज़रूरी है। वो उसे समझाएगी कि उसके लिए काव्या ने अपना घर परिवार एक्स हस्बैंड तक छोड़ दिया और अनुपमा से उसका पति चुराने वाली औरत का तमका तक ले लिया, लेकिन फिर भी वो उसके लिए काफ़ी नहीं है। इस झगड़े में लीला हमेशा की तरह अपने बेटे वनराज शाह को सपोर्ट करेगी। इधर शाह परिवार में ये ड्रामा चल रहा है और उधर कबाड़िया हाउस में अधिक अपना असली रंग दिखाएगा। तो अनुज कबाड़िया की बुराइयों को करते हुए पाखी से कहेगा कि क्या कर लिया तुमने ये लव गुरु बनकर, देखो अनुज नहीं आया, अब क्या करोगी, फिर से मुंबई जाओगी, अभी जाओ। बरखा अपने भाई का सपोर्ट करेगी और पाखी से घर छोड़कर चले जाने को कहेगी। बरखा कहेगी कि अनुज नहीं आया क्योंकि वो छोटी और माया के साथ खुश है, कम से कम माया के पास तो कोई एक्स्ट्रा बैगेज तो नहीं है, वो पूरा वक्त अनुज और छोटी को दे सकती है। यहाँ तो शाह परिवार के नाटक खत्म नहीं हो रहे, आखिर कब तक अनुज ये सब बर्दाश्त करता। उसका धैर्य जवाब दे दिया गया था इसलिए वो चला गया। अधिक भी अपनी बहन की सुर में सुर मिलाते हुए कहेगा कि दीदी आप बिल्कुल सही कह रही हो, वनराज शाह इतने टॉक्सिक हैं कि अनुज क्या मैं खुद उनके साथ नहीं रहना चाहूँगा।